नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिक्योर किचन में। मैं हूँ चंद्रकांत राजपुरोहित और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चना दाल के भरवा पराठे, जो कि बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब चना दाल को 5 से 6 घंटों के लिए मैंने इसको पानी में भिगो के रखा हुआ था और अब इसका पानी निकाल के मैंने 2-3 बार अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया है। तो ये दाल 5-6 घंटों के बाद काफी सॉफ्ट हो जाती है कि हम इसको नाखून लगाएं तो आराम से 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा उबाल लेंगे ताकि जो दाल का कच्चापन है वो निकल जाए। तो इसको बॉईल करने के लिए हम इसको कुकर में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये दाल हमने डाल दिया कुकर में और अब इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे, 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा। और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी तो ये इतना पानी ऐड किया है मैंने कि हल्का सा दाल के ऊपर पानी नजर आ रहा है। और अब इसमें हम 2 सीटी लगा लेंगे। बहुत ज्यादा हमको इसको दाल को गलाना नहीं है, बस दाल को हमको हल्की सी सॉफ्ट करनी है और दाल का कच्चापन निकालना है। तो 2 सीटी इसमें काफी होगी। दाल हमारी बॉईल होकर रेडी हो गई है। 2 सीटी लगाने के बाद में हमने कुकर को बिल्कुल प्रेशर खत्म होने तक रख दिया था और उसके बाद हमने इसको छलनी में डाल के रख दिया था ताकि थोड़ा बहुत जो पानी हो दाल में तो वो सारा निथर जाए। तो अब ये दाल हमारे बॉईल होकर रेडी हो गई है और दाल हमारे बिल्कुल उबलने के बाद में भी इस तरीके से खड़ी खड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल भी मैश नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा। दाल का कच्चापन बिल्कुल निकल गया है। देखिए, अगर हम इसको दबाते हैं तो ये बिल्कुल दब जाती है दाल एकदम, यानी दाल हमारी कच्ची बिल्कुल भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा मैश भी नहीं हुई है। तो इस तरीके से हमको दाल को उबाल के तैयार करना है। अब अगर हम चाहें तो इसको मिक्सी में बिना पानी डाले मिक्सी में दरदरा पीस सकते हैं या फिर जो पोटैटो मैशर होता है उससे भी इस तरीके से इसको दबा दबा के हम एकदम दरदरा सा इसको मैश करके तैयार कर सकते हैं। देखिए, आसानी से आराम से ये मैश हो रही है दाल। तो हम इसको पोटैटो मैशर से ही मैश कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको ऊपर नीचे करते हुए पूरी दाल को मैश करके तैयार कर लेंगे। तो ये दाल हमने अच्छे तरीके से मैश कर ली है। इसमें कुछ कुछ अगर दाल खड़ी रहे तो भी चलता है, इसमें टेस्ट अच्छा ही आता है, लेकिन जितना हो सके हमको मैश कर लेना है। इस तरीके से बहुत ही मोटा मोटा मैश हुआ है, इसी तरीके का हमको मैश करना था। अगर मिक्सी में हम इसको पीस रहे हैं तो हमको पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है और बिल्कुल इसी तरीके का हमको मिक्सी में भी पीस के तैयार करना है। तो अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर भरावन यानी कि स्टफिंग बनाने के लिए हमने 1 से 1.5 चम्मच ऑयल ले लिया है। कढ़ाई में ऑयल हमने गर्म कर लिया है तो इसमें 1/2 चम्मच हम जीरा डाल देंगे और जीरे के फ्राई होने के बाद हम 1/2 चम्मच इसमें राई ऐड कर देंगे और राई को अच्छी तरीके से ऑयल में फ्राई होने देंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच के करीब हींग ऐड कर देंगे और हींग के बाद हम डाल रहे हैं 2 बारीक कटे हुए प्याज, 2 बड़े साइज के हमने प्याज ले लिए थे। तो यहाँ प्याज को हमें हल्का सा पिंक होने तक फ्राई करना है। थोड़ा सा हमने प्याज को ऑयल में चलाने के बाद हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च और 10-12 बारीक कटे हुए करी लीव्स। यहाँ पे करी लीव्स को बहुत बारीक काटना बहुत जरूरी है ताकि पराठों में जब हम मसाले को भरेंगे तो वो
करी लीव्स बाहर ना आए और सभी पराठों में करी लीव्स का स्वाद आ जाए। तो अब इसको चलाते हुए प्याज को हमको एकदम लाइट ब्राउन करना है, एकदम हल्का सा कलर आ जाए प्याज में, बहुत ज्यादा हमको इसको डार्क नहीं करेंगे। तो प्याज यहाँ पे हमारे लाइट पिंक हो गए हैं, इससे ज्यादा हमको इनको फ्राई नहीं करना है। तो अब इनमें हम ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं इसमें। तो एक चम्मच धनिया पाउडर, एक से डेढ़ चम्मच डाल देंगे, और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, और टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल देंगे। अब इन मसालों को एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि हल्दी और लाल मिर्च का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना लाल मिर्च हमारी जलनी शुरू हो जाएगी। बस एक बार अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर लेंगे और तुरंत हम ये चना दाल जो हमने मैश करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे हम। तो अब एक बार अच्छी तरीके से चना दाल में इस मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हमने सारे ड्राई मसाले अच्छे तरीके से मिक्स करके और एकदम इसको तैयार कर लिया है। अब इसमें हम हाफ चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर देते हैं ताकि अच्छी सी हल्की खटाई आ जाए। अमचूर पाउडर इसमें ऐड करना जरूरी है। और चौथाई चम्मच बिल्कुल हम गरम मसाला डाल देंगे, इससे काफी अच्छी खुशबू आएगी और स्वाद भी काफी अच्छा आ जाएगा। और अब डाल देंगे हम फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सभी को मिक्स करते हुए हम 2 से 3 मिनट मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। वैसे दाल हमारी पहले से हमने बॉईल करके ली थी तो दाल में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है, लेकिन 2-3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेने से क्या है, सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो दाल के अंदर तक चला जाएगा। तो स्टफिंग हमारी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी, इसलिए हम 2 से 3 मिनट इसको भुनेंगे। तो इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो ये 2 से 3 मिनट हमने स्टफिंग को भुन लिया है, बहुत ही अच्छी महक आनी शुरू हो गई है स्टफिंग से। गैस को हम ऑफ कर देंगे। ये चना दाल स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। तो चाहे तो इसको फटाफट ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमारी ठंडी हो गई है एकदम। और इधर हमने आटा भी लगा के तैयार कर लिया है। तो आटे में हमने थोड़ा सा नमक डाल के और हल्का सा रोटी के आटे से सख्त आटा हमने लगा के रखा है, और आटे को हमने 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था ताकि आटा हमारा एकदम अच्छा चिकना सॉफ्ट होकर तैयार हो जाए। तो आटा हमारा रेडी है। तो हम पराठा बनाने के लिए एक पेड़ा निकाल लेते हैं। तो रोटी के आटे से थोड़ा सा बड़ा हमको पेड़ा तोड़ लेना है, कि भरवा जो पराठे हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, और इसको सूखे आटे में लपेट लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा पहले बेल लेते हैं। तो इसको हमको साइड में से प्रेशर देते हुए बेलना है, बीच में से बहुत ज्यादा इसको पतला नहीं करेंगे ना, पराठा हमारा बेलते हुए फट जाएगा। तो ये हमने इसको पूरी की साइज का बेल लिया है। अब इसमें हम स्टफिंग भर लेते हैं। 2 से 2.5 चम्मच स्टफिंग हम इसमें डाल सकते हैं आराम से। तो ये हमने स्टफिंग डाल दी है। तो अब इसको किनारों को उठाते हुए हमको इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, बहुत ही इजी है।
इस तरीके से किनारों को यहां से उठाते हुए इसको हम फोल्ड करते जाएंगे। और इसको यहां से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए, बेलते हुए हमको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है उसको तोड़ लेते हैं और इसको इस तरीके से दबा के हम उंगली से इसको दबा देंगे और हल्का सा इसको घुमाते हुए हल्का सा इसको दबा देंगे ताकि यहां से फिक्स हो जाए, फटे ना बेलते वक्त। तो बहुत ही आसानी से। तो अब इसको सूखे आटे में थोड़ा लपेट लेंगे। और इसको उंगली और अंगूठे की सहायता से इस तरीके से थोड़ा सा घुमाते हुए बढ़ा लेंगे। इससे क्या होता है कि किनारे हमारी फटेगी नहीं और एकदम मसाला जो है चारों तरफ फैल जाएगा, एकदम स्टफिंग। और उंगलियों से थोड़ा सा इसको दबा देंगे और अब हल्के बेलन को हमको दबाव देते हुए इसको पराठे को बढ़ाना है। बहुत ज्यादा इसके ऊपर दबाव नहीं देना है, साइड से हल्का सा हल्का हल्का दबाव देते हुए पराठे को हम बेल लेंगे। बिल्कुल भी स्टफिंग हमारी बाहर नहीं आ रही है, तो बस यही ध्यान रखना है कि बेलन का जो दबाव है बहुत ज्यादा नहीं देना है पराठे के ऊपर। तो ये हमारा पराठा बेल के बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से फटा नहीं है, स्टफिंग भी हमने इसमें काफी सारी भरी थी। पराठे को हमने बेल के तैयार किया है, तब तक तवा भी हमारा गर्म हो गया है। पराठे को डाल देते हैं तवे पे और एक साइड से पराठे को हम हल्का सा सिकने देंगे और सिकने के बाद इसको हम पलट लेंगे। तो एक साइड से पराठा सिक गया है तो इसको हम पलट लेंगे और इस पर हम ऑयल लगा लेते हैं। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ से भी हम इसको सिकने देंगे थोड़ा। तो दूसरी तरफ से भी पराठा सिक गया है तो पलट लेते हैं और इधर भी हम इसको ऑयल लगा लेंगे। कि बहुत ही बढ़िया पराठा सिक के रेडी हुआ है। और इसको पराठे को अगर बहुत ज्यादा कुरकुरा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको चम्मच से या फिर पटेटो मैशर जो होता है उससे थोड़ा सा दबा दबा के घुमा घुमा के अगर हम सेकेंगे तो बहुत ही करारा पराठा बनके तैयार हो जाएगा। और चाहे तो किसी चम्मच से भी दबा दबा के सेक सकते हैं तो काफी अच्छा जो है इसके ऊपर कलर आ जाएगा एकदम गोल्डन। देखिए बहुत ही शानदार पराठा सिक्के हमारा तैयार हो गया है। दोनों तरफ से हमने इसको एकदम करारा होने तक सेक लिया है। तो पराठे को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारे पराठे हम फटाफट से बना के रेडी कर लेंगे। ने सारे चना दाल के भरवा पराठे बनके तैयार कर लिए हैं। तो ये हमने एक पराठे को बीच में से कटिंग करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको इसमें स्टफिंग बता सकूं। तो ये देखिए इसमें बहुत ही शानदार तरीके से स्टफिंग फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि स्टफिंग एक ही जगह पे इकट्ठी हो गई हो, पूरे पराठे में एकदम इक्वल जो है स्टफिंग फैली हुई है। तो बहुत ही बढ़िया हमारे पराठे बनके रेडी हुए हैं। तो इसी तरीके से आप भी अगर पराठे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे पराठे बनके आपके तैयार होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी तरह के और भी नए नए हेल्दी और टेस्टी वीडियो के साथ मैं आती रहूंगी, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और इन पराठों को आप दही चटनी किसी भी अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो रेसिपी को ट्राई जरूर करें और प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और आपने रेसिपी अगर ट्राई की है तो आपकी कैसी बनी है। कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो फिर हाजिर होंगी मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।